Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are staying safe and healthy through these tough times. तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी बालकनी की टूर, जो कि काफी रिलैक्सिंग प्लेस होती है. तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कहाँ से मैंने एक एक चीजें खरीदी हैं, कैसे मैं अपने प्लांट्स की केयर करती हूँ और कैसे हमने पूरी बालकनी को डेकोरेट किया है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप वॉचिंग एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. तो हमारी ये जो बालकनी है ये बेडरूम से अटैच्ड है. साइज तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, पर यहाँ पे काफी ज्यादा सनलाइट आती है, मोस्टली बिटवीन 1 PM to 4 PM. वॉल्स पे हमने इस तरह से टाइल्स लगवा दी थी. जब हमने इस फ्लैट में शिफ्ट किया था तभी हमने सारी बालकनीज की वॉल्स पे टाइल्स लगवा दी थी, तो ये ग्रीनिश कलर में है जो कि प्लांट्स की थीम से मैचिंग है. साथ में फ्लोर पे भी टाइल्स हैं, तो यही टाइल्स हमारे पूरे फ्लैट में हैं. ताकि पिजन ज्यादा आतंक ना मचाएं, इसलिए हमने बालकनी को कवर कर दिया है इस नेट से, तो इससे हमारी बालकनी काफी नीट एंड क्लीन रहती है. बालकनी को एंटर करते ही लेफ्ट साइड में आई हैव दिस DIY जो कि मैंने अभी बनाया था काफी रिसेंटली, और इस पे लिखा हुआ है लव ग्रोज हियर. लव यानी कि प्लांट्स. ये DIY मैंने अभी लॉकडाउन में ही बनाया था, जो कि Amazon के जो वेस्ट बॉक्सेस होते हैं मैंने उससे ही DIY बनाया है. और जो मैंने पेंट्स यूज किए हैं वो है एक्रिलिक पेंट्स. क्योंकि अभी बालकनी में कोई रियल फ्लावर्स नहीं है, सो आई हैव एडेड दिस बंच ऑफ आर्टिफिशियल फ्लावर्स. ये वाटरफॉल पैटर्न में हैं और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं. ये हमने एक लोकल शॉप से खरीदे थे, बट यू कैन फाइंड सिमिलर वंस ऑन Amazon. आई विल लिंक देम डाउन बिलो. मैं आपको पूरी बालकनी का नाइट व्यू भी दिखाऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक देखना. DIY के ऊपर आई हैव दीज पपेट्स जो कि हम राजस्थान से काफी पहले लाए थे. देन ऑन रेलिंग आई हैव दीज ब्यूटीफुल प्लांटर्स जो कि हमने एक लोकल नर्सरी से लिए थे. यू कैन फाइंड सिमिलर वंस ऑन Amazon, बल्कि एग्जैक्ट सेम आपको Amazon पे मिल जाएगा पूरा का पूरा सेट. मैं आपको लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इससे काफी ब्यूटीफुल लुक आ जाता है. इन दीज प्लांटर्स वी हैव जेड प्लांट विच इज अ लो मेंटेनेंस प्लांट एंड इज ऑल्सो नोन टू ब्रिंग गुड लक. रेलिंग के ही पास में मैंने ये कैमल भी रख दिया है विच इज गिफ्टेड. बाकी के जो प्लांटर्स हैं वो हमने प्लेस किए हैं इन रैक्स पे, जिससे बालकनी काफी ऑर्गेनाइज्ड लगती है और साथ में इसे क्लीन करना भी बहुत इजी रहता है. तो ये हमने लिए थे लोकल नर्सरी से, बट आपको सेम रैक्स Amazon पे भी मिल जाएंगे, बाकी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी मिल जाएंगे और साथ में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में भी मिल जाएंगे. प्लांट्स के बिना तो बालकनी एकदम अधूरी है, तो हमने भी अपनी बालकनी में कुछ प्लांट्स ऐड करे हैं. क्योंकि गुलजार साहब ने बहुत खूब कहा है कि इतना सस्ता सौदा और कहां मिलेगा, बीज दो जमीन को पौधा मिलेगा. प्लांट्स की खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए आई हैव दिस बटरफ्लाई स्टिक जो कि प्लांट्स के लिए ही होती हैं. तो जो प्लांट का जो पॉट होता है उसकी जो मिट्टी होती है उसमें आप स्टिक को ये लगा सकते हो. ये हमने ट्रेड फेयर से ली थी. उस टाइम पे ये 100 रुपीज की एक थी, तो मुझे काफी महंगी लगी थी, बट अब जब भी लॉकडाउन खुलेगा, ट्रेड फेयर दोबारा लगेगा, तो मैं डेफिनेटली और स्टिक्स लाने वाली हूँ. प्लांट स्टैंड पे ही आई ऑल्सो हैव फ्यू डेकोरेटिव पीसेस. तो यहाँ पे वी हैव अ स्टैचू ऑफ जरावर ट्राइब्स ऑफ एंडेमांस, तो ये हम एंडेमान से ही लाए थे. जो भी प्लांट पॉट्स हैं दीज आर आइदर फ्रॉम बंजारा मार्केट और आर लोकल नर्सरी. देन वी ऑल्सो हैव दीज डियर्स, तो ये भी बहुत ज्यादा पुराने हैं. तो आपको हमारी बालकनी में काफी सारे एनिमल्स मिल जाएंगे, बिकॉज वाई नॉट. और ये एक स्टैचू है मेड आउट ऑफ स्टोन्स, तो ये भी हमने ली थी ट्रेड फेयर से. प्लांट्स की रेगुलर मेंटेनेंस काफी इंपॉर्टेंट होती है, देन ओनली दे थ्राइव. तो मैं यूज करती हूँ ट्रॉवल, और ये जो स्पेशली जो रेलिंग पे हैं इनकी मैं मिट्टी एक साइड कर लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ा बेंड है, और ओकेजनली मैं माली को भी बुलवा के इन्हें ठीक करवा देती हूँ. और पानी के लिए आई यूज दिस प्रेशर स्प्रेयर, तो इससे काफी इजिली जो लीव्स हैं वो भी क्लीन हो जाती हैं और प्लांट्स में पानी अच्छे से आ जाता है. इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में.
इन द कॉर्नर वी हैव दिस राउंड प्लांट स्टैंड जो कि बहुत ओल्ड है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम का है ये। इसमें तीन कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें आप अपने प्लांटर्स रख सकते हो, तो दो में तो हमने प्लांटर्स रखे हैं और एक में हमने थोड़ी डेकोरेशन की है। हमारे जो सामने वाले फ्लैट के ऊपर जो आंटी रहती हैं उन्हें ये प्लांट स्टैंड बहुत पसंद आया था और उन्होंने हमसे पूछा था कि हमने ये कहाँ से लिया, बट ये काफ़ी पुराना है। अगर मुझे ऑनलाइन इसका लिंक मिला तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी। इसमें एक पार्ट में हमने डेकोरेशन की है जिसमें वी हैव यूज दिस वुडन ट्री जो कि हम लाए थे बंजारा मार्केट से। बंजारा मार्केट की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। इसमें वी हैव प्लेस्ड अ स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा। इस स्टैचू से काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं। सामने मैंने एक सेंटेड कैंडल रखी है विच आई गॉट फ्रॉम स्टोर 99। साइड में दो छोटी छोटी कैंडल्स और हैं और फिर साइड में है पॉटपुरीज जिससे काफ़ी ब्यूटीफुल सी स्मेल आती है। वी गॉट इट फ्रॉम होम सेंटर और जो ट्रे है वी गॉट इट फ्रॉम ट्रेड फेयर। राउंड स्टैंड के नीचे आई ऑल्सो हैव दीज स्नेक प्लांट्स। तो एक तो है ये ब्यूटीफुल डक शेप्ड पॉट में, तो ये अगेन हमने लोकल नर्सरी से लिया था और हमने नीचे थोड़ा कलर ऐड करने के लिए यहाँ पे स्टोन्स ऐड कर दिए हैं। साथ में जो दूसरा पॉट है ये भी हमने एक लोकल नर्सरी से लिया था। इसमें जो मेन स्नेक प्लांट है जो कि राइट साइड में है उसी की पप हमने रीपॉट करी है दूसरे पॉट में। ऑन द रेलिंग वी ऑल्सो हैव दिस राइनो मेड अप ऑफ वुड विच माय बुआ रिसेंटली गॉट फ्रॉम अ ट्रिप ऑफ नॉर्थ ईस्ट। देन आई हैव एडेड सम मोर आर्टिफिशियल फ्लावर्स और फिर नीचे है ये रियल बैम्बू प्लांट। ये मेरे डैड का फेवरेट प्लांट है और इसकी जो छोटी छोटी ग्रास है ये काफी क्यूट है एंड दिस प्लांट ब्रिंग्स गुड लक। ऑन द वॉल आई हैव दिस बर्ड एंड फ्लावर हैंगिंग, तो ये काफी कलरफुल है तो व्हाइट प्लेन वॉल पे काफी ब्यूटीफुल लगती है। तो हमारे हाफ पोर्शन में टाइल्स हैं वॉल पे और हाफ प्लेन है तो इसलिए काफी अच्छी लगती है। वी गॉट दिस फ्रॉम दिल्ली हाट एंड दीज आर हैंडमेड। फिर आ जाती है हमारी रूम की विंडो, तो उसके बाहर वाले साइड में एक छोटा सा ये जगह है तो इस पे भी हमने डेकोरेशन कर दी है छोटी छोटी चीजों से। तो कुछ गिफ्टेड हैं, कुछ हमने लोकल शॉप से लिए हैं, कुछ एग्जीबिशन से लिए हैं, तो ये पूरा एरिया काफी प्रिटी लगता है। इसी के ऊपर आई हैव दिस मेटल बकेट विच वी गॉट फ्रॉम ट्रेड फेयर, तो इसके अंदर मैं फेरी लाइट्स डाल देती हूँ और रात में बहुत ब्यूटीफुल लगती है। तो आप रात वाला व्यू भी देखना जो आपको एंड में दिखेगा। कमिंग टू द सिटिंग एरिया, क्योंकि स्पेस ज्यादा नहीं है तो चेयर्स वगैरह रखने का तो स्कोप था नहीं, दैट्स वाई वी हैव प्लेस्ड दीज ऑटोमन्स हियर जो कि हम एक लोकल मार्केट से लाए थे। और जब यहाँ पे कोई भी नहीं होता तो डियर भाई साहब यहाँ पे चिल करते हैं। दिस इज माई हैप्पी प्लेस वेयर आई सिट बैक एंड एंजॉय द ब्रीज। स्पेशली अब लॉकडाउन में जब बाहर तो निकल नहीं सकते तो मैं यहीं बैठ के ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेती हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई हैव मिस्टर आउल राइट एट द एग्जिट जो आपको टाटा बोलने वाले हैं जब भी आप यहाँ से एग्जिट करोगे। तो ये भी हमने लिए था ट्रेड फेयर से जहां से हमने वो बर्ड ऑफ फ्लावर वाली हैंगिंग ली थी। That's it for my balcony tour. If you liked the video, then please give this video a big thumbs up. Follow me on my Instagram and also do subscribe to my channel. Thank you so much for watching. I will see you next time. Till then, bye-bye. Take care.